مردوں سے بیٹے قاف کا مخرج قاف حروف العربیہ میں سے ہے مخرج زبان کا آخری حصہ جو جڑ کے پاس ہے جب اوپر تالو سے ہے پر حروف میں سے یا باریک حروف میں سے پر حروف جی پر کرنے کا طریقہ کیا ہے کون بتا سکے گا نام لگ करने का क्या तरीका है जुबान को नीचे वाले दांतों के पीछे वाले गड़े में रख कर पीछे खींचता मुंह खोला जुबान को सनाया शुक्ला के पीछे गड़े में रख कर तालू की तरफ खींचना और मुंह खोलना इससे आरपुर हो जाता है कॉफ को दोबारा अदा करनी पड़े जी हमें आपको अदा करके दिखाई शाबाश जी जी क्या गलती हो रही है कोई बता सकता है उसे बेटे क्या गलती हुई है इसने अपनी आवाज को नाक में ले ली शाबाश नाक में आवाज दे गया तो आवाज को नाक से नहीं बल्कि हलक के वस्त से दरमियान से अदा करना और आईन और हा की आवाज जब निकले तो गले में थोड़ी सी रगड़ होनी चाहिए आवाज रगड़ के निकले सहूलत के साथ ना निकले वस्त के हलक से निकालते वक्त इस अंदाज से आवाज निकाल साहब बेटे आप हा को अदा करके बताएं अदायगी सही हुई है कोई गलती तो नहीं हुई जी बेटे खड़े हो जाए इमरान बताएं भाई ने क्या गलती की है हाथ की अदायगी जी हाँ जी इसने हा और हा में आपस में मिलावट कर दी मिक्सिंग कर दी हा को अदा करके आप दिखाएं शाबाश अदायगी देगा तो हा को जब अदा करेंगे तो हलक से निकलते वक्त थोड़ी सी रगड़ होनी चाहिए वह यूं भी आप कह सकते हैं कि हा और ऐन को निकालते वक्त हलक जो है थोड़ा सा तंग हो जाता है और हलक की साइड्स जो है दरमियान से ऐन और हा निकलते हैं और आवाज साइड से थोड़ी सी टकराती हुई निकलती है उस वक्त सही अदायगी حمز حمز ها عين ح ح وين وين خ یہ چھ حروف کون سے حروف کہلاتے ہیں حلقیہ حاشر ان کو حروف حلقیہ کیوں کہتے ہیں حلق سے بننے کیونکہ یہ حلق سے بننے شاباش حلق سے بننے کی وجہ سے ان چھ حروف کو حمزہ ہ عین ح غین اور خ چونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں ان کے مخارج حلق کے اندر ہیں اس لیے ان حروف کو حروف حلقیہ کہا जी बेटे जीम का मखरज हम का दरमियाना हिस्सा जब ऊपर तालू से लगे जीम रूप में शादर यम के सुन है बैलेंस किसी के साथ इसी मखरज से और कौन कौन से हरूफ अदा होते हैं जी
कौन सा है जी? हलक का दरमियाना ऐसा वक्त जो हलक की इब्तिदा और हलक की इंतहा के दरमियान में हलक का हिस्सा होता है, हलक का मिडल, वो वस्त हलक कहलाता है। रुफे लाविया में से है मखरज। जुबान का आखिरी हिस्सा जो जड़ के पास है जब ऊपर तालु से लगे। बैलेंस तीन अलिफ अदायगी। बेटे हर्फ को बारीक पढ़ने का और पुर पढ़ने का जो मैंने तरीका आपको बताया था, तो ये पुर है या बारीक है? और पुर करने का क्या तरीका है? जुबान को नीचे वाले दांतों के पीछे गिरन रख कर पीछे कहना होगा। शाबाश। जुबान को सनाया सुफला के पीछे गड़े में रखकर तालू की तरफ खींचना और मुंह खोलना, इससे अर्थ पूर्ण हो जाए। शाबाश बेटे, इसको दोबारा से जरा एक मतलब पूर्ण करके दिखाएं। बेटे बा का मखरज बयान करो। कहाँ से अदा होता है? होठों के तली वाले हिस्से। और मीम कहाँ से अदा होता है? होठों के वाले हिस्से। जी बेटे बैठ। ऐसे बेटे लाम नून वाह का मखरज दिया। हुसैन बेटा खड़े हो जाएं, आप बताएं हा और हा में क्या फर्क? हा इब्तदाई हलक से अदा होता है और हा वस्त हलक से अदा होता है। इब्तदाई हलक कौन सा है? जो सीने की तरफ है। शाबाश। और हा कहाँ से अदा होता है? वस्त हलक से। वस्त हलक से जो ऊपर और नीचे वाले हलक के दरमियान। शाबाश। सीने की तरफ जो हलक का हिस्सा है वो इब्तदा होगी, उसको इब्तदाई हलक कहेंगे। और अगर हलक का शुमार हम मुंह की तरफ से करें, जुबान के साथ वाले हिस्से से करें, इब्तदा यहाँ से करें, तो फिर इब्तदाए हलक जुबान का साथ वाला हिस्सा इब्तदाए हलक होगा और सीने के साथ वाला हिस्सा इंतहाए हलक कहलाएगा।